हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज कुशाल त्रिपाठी एंड आई एम डीजीटी मैथमेटिक्स। इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे एक्सरसाइज 5.2 से क्वेश्चन नंबर 20 फ्रॉम 10th क्लास एनसीईआरटी। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं देन दिस इज माय पेज मैथ्स ब्रेड। उसके अलावा आप मेरे साथ टेलीग्राम पे भी कनेक्ट हो सकते हैं, दिस इज माय चैनल नेम अगेन कुशाल त्रिपाठी। सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 20 एक्सरसाइज 5.2। So this is a question. Ramkali saved rupees 5 in the first week of a year and then increased her weekly saving by rupees 1.75. If in the nth week her weekly saving becomes rupees 20.75, then find n. All right. तो क्या मतलब है इस क्वेश्चन का, उसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखिए, यहाँ पर कोई रामकली नाम की लेडी है, वो क्या करती है, वो हर हफ्ते मतलब पहले वीक उन्होंने 5 रुपीज सेव किए हैं और उन्होंने हर हफ्ते ये भी डिसाइड किया है कि वो अपने हर हफ्ते जो सेविंग है वो इंक्रीज करते जाएंगे कितना, 1.75। मींस अगर आज वो 5 रुपीज सेव कर रहे हैं तो अगले हफ्ते 6.75 रुपीज को सेव करेंगे एंड सो ऑन। तो पूछ रहे हैं कि बताइए कौन से वीक में उनकी टोटल सेविंग 20.75 रुपीज होगी, ये चीज पूछी गई है। तो देखिए ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम है क्वेश्चन नंबर 19 के, तो इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहां लिखेंगे गिवन और इसको हम डायरेक्टली अप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं। तो वी कैन से हेयर द फर्स्ट टर्म इज 5 और यहां पे लिख सकते हैं आप स्मॉल a इज इक्वल टू 5, मीन्स उनकी पहले वीक में जो सेविंग है वो रुपीज 5 की है एंड द कॉमन डिफरेंस, क्योंकि हर वीकली वो इतना अमाउंट इंक्रीज करने वाले अपनी सेविंग में, तो कॉमन डिफरेंस विल बी 1.75। ऑलराइट, और हमें ये देखना है कि कितने वीक्स के बाद या कितने वीक्स में उनकी ये जो सेविंग है रुपीज इतना 20.75 हो जाएगी। सो वी कैन से ए एन इज इक्वल टू 20.75। Alright, and we need to find value of n. So let's start. यहाँ आप लिख सकते हैं solution. This is equal to, we know that an equal to a plus n minus 1 into d. Put these values. So an is equal to 20.75. Okay, this is 20.75 equal to a, that is 5, plus n minus 1 into d, which means 1.75. Alright, so 5 ko aap yahan shift kijiye, it is 20.75 minus 5 equal to n minus 1 into 1.75. Alright. अब इसे आप आगे सॉल्व करेंगे तो देखिए आपको वैल्यू मिलेगी 20-75 इज इक्वल टू 15.75 और इस 1.75 को भी आप डिनोमिनेटर में ले आए, सो राइट हैंड साइड पे जो वैल्यू आपको मिलेगी दैट इज n माइनस 1। अब अगर आप इसे सॉल्व करेंगे देन दिस विल बी बिकम 9 equal to n minus 1। अगर आप ये समझ गए स्टेप इट्स ओके, अदरवाइज आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं, मैं इसको अच्छे से इलेबोरेट करके आपको बता दूंगा। बेसिकली 1.75 को आप 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15.75 आएगा और कैंसिल होके 9। तो अगर आप यहां से n की वैल्यू निकालेंगे तो n इज इक्वल टू 9 plus 1। और एक 1 को आप लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट कीजिए, दैट इज 9 plus 1 इक्वल टू n, so n is equal to 10। Alright, तो ये हमारा क्वेश्चन था, आप इसके आप वैल्यू लिख सकते हैं। So in 10th week, in 10th week Ramkali is saving, Ram Kali's
सेविंग विल बी रुपीज 20.75। ऑल राइट स्टूडेंट, थैंक यू।